कर्नाटक स्टेट में मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक हो रही साजिशों के खिलाफ जनता दल सेकुलर स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नासिर हुसैन उस्ताद ने गुस्से का इजहार करते हुए नाराजगी जाहिर की है। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा, कर्नाटक स्टेट में उड़ुपी और उसके बाद अब शिमोगा में हिजाब पर पाबंदी लगाते हुए मुस्लिम लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हिजाब के मसले के अलावा अलन दरगाह में शिवलिंग होने का दावा करने, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन की मस्जिद पर हमला करने, अफजलपुर तालुका में कुरान जलाने, गदाग डिस्ट्रिक्ट में समीर नामी नौजवान का बेरहमी से कत्ल करने जैसे तमाम इशूज़ पर बात करते हुए नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा, बीजेपी और आरएसएस लगातार हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म कर मजहब की राजनीति करना चाहती है। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा, जेडीएस स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बीजेपी आरएसएस की इन तमाम घिनौनी साजिशों के खिलाफ चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को लेटर लिक वार्न किया जाएगा और अगर ऐसे मामलों पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो पूरे स्टेट में जनता दल सेकुलर की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा कि हर ज़िले के अंदर, हर तालुके के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस पोलराइज करने के लिए मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसका फ़ायदा उनको आगे आने वाले इलेक्शन में मिले। आप मॉरल तौर पर कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से ये जो हरकतें कर रही है, ये साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के इस इलेक्शन को फेस करने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी शिकस्त को मान चुकी है। आज शिमोगा के कुंदापुर के अंदर एक और इंसिडेंट होता है जहां पर उस कॉलेज के प्रिंसिपल गेट पर आकर के हमारे पर्दानशी बहनों को जो है गेट पर ही रोकने का काम करता है। यहां पर मैं पूछना चाहता हूं उस प्रिंसिपल से, उस जहनियत रखने वालों से, अगर वो कॉलेज का प्रिंसिपल है तो स्टूडेंट्स को पहले प्रीमाइसिस में लेकर उसके बाद में बुरके को निकालने की डिमांड करता हूं। वो कॉलेज के उन पर्दा नशीन, उन बुरका पहनने वाली हमारी बहनों को गेट पर ही रुका करके उनको बाहर रुकाने का वो जो एक्ट है, ये साफ तौर पे महसूस करता है कि वो उसकी ज़हनियत आरएसएस की ज़हनियत है। वो आरएसएस के इशारे पे काम कर रहा है, वो बीजेपी की डायरेक्शन पे काम कर रहा है और वो सस्ती शोहरत के लिए काम कर रहा है, या तो वो ज़हनी तौर पर बीमार है। ये से चंद लोगों की हरकतें से कहीं ना कहीं हमारी भाईचारगी को असर हो रहा है और सबसे बड़ा असर इसके ऊपर जो हो रहा है वो कर्नाटक की छवि हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में हमको शर्मसार होना पड़ रहा है। कर्नाटक की शनाख्त, कर्नाटक की पहचान एक कम्युनल जहन रखने वाली नहीं, छोटी जहन रखने वाली नहीं है और ये प्रैक्टिस ये आजकल का नहीं है, ये कई सालों से जो है हमारी बहनें गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो है बुरका पहन के जाती हैं, स्काफ पहन के बैठती हैं। इसको इशू बनाया गया है इस मरहले पर, इस मौके पर, सिर्फ इसलिए ताकि सियासी तौर पर उसको भुना जाए। 3-4 महीने के अंदर पीयूसी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ऐसे वक्त में ये कमज़र्फ लोग सियासत करते हैं तो हमारे नौजवान बहनों के फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता दल सेकुलर, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और जनता दल सेकुलर के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हम चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को भी हम लेटर लिखेंगे कि इस तरह से ऐसे एलिमेंट्स को जो समाज की इस फिज़ा को बिगाड़ रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू वेयर, उसको डिस्टर्ब करके पोलराइज करने के, कम्युनलाइज करने के जो एजेंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को एंटरटेन ना किया जाए और कोई भी गवर्नमेंट का डायरेक्शन नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं रहने के बावजूद इतनी हिमाकत करने की काम जो है कुंदापुर के उस प्रिंसिपल ने किया है। हम इसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखेंगे, गवर्नर ऑफ कर्नाटका को भी माइनॉरिटी जनता दल सेकुलर की जानिब से हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे। HD कुमारी स्वामी साहब, हमारा 31 तारीख के जो प्रोग्राम हुआ कर्नाटका के माइनॉरिटी सेल का, वहाँ पर एजेंडा में हमने इस इशू को उठाया और क्योंकि हम एक सियासी पार्टी हैं,
इस तरह के इंसिडेंट्स के होने के पीछे क्या सियासी मकसद भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का है, इसको भी हम बखूबी समझते हैं। आज इंसिडेंट हुआ है, मैं स्टेट के सदर की हैसियत से मैं इस इंसिडेंट को कंडम करता हूँ, जनता दल सेकुलर इसको कंडम करती है, हमारी लीडरशिप ने उड़पी के उस इंसिडेंट को कंडम किया है, दूसरी सियासी जमातें खामोशी चुप्पी साध रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस पे मैं कोई रिएक्ट करना नहीं चाहता, ये सवाल आप उनसे पूछिए। बहुत सारे इश्यूज़ पे वो खामोशी साधते हैं और उनका लाइन ऑफ प्रोसेस, थॉट प्रोसेस उनको लीडरशिप को पूछ के देना है, मगर आज ये इंसिडेंट शिवमोग्गा में हुआ है और मैं गुलबर्गा में हूँ। गुलबर्गा में से मुझे जैसे ही इसका इल्म हुआ है, मैं आपके ज़रिए मैं कर्नाटक के आवाम तक, हुकूमत तक जो है आप ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि जनता दल सेकुलर माइनॉरिटीज का जो मैं सदर बना हूँ, कोई भी इंसिडेंट जो इस समाज के सोशल फैब्रिक को, कम्युनल हारमोनी को, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को अफेक्ट करने की जो चाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन तमाम चालों के खिलाफ हम जनता दल सेकुलर के तमाम माइनॉरिटी लीडर्स बेंगलुरु के, चाहे वो बेंगलुरु के हो, चामराजनगर के हो, बीदर के हो, श्रीरंगपटना के हो, हर माइनॉरिटी लीडर्स आज अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। हमें जहाँ पर भी महसूस होता है कि कोई एक समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमारे पार्टी की लीडरशिप के पास अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और उसके खिलाफ हम लोग खड़े हो सकते हैं। उसी जिमन के अंदर ये जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो रही है, ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। गुलबर्गा के अंदर हमारे आलंद का मामला ले लीजिए आप, लाल मलिक शाह कंसारी दरगाह शरीफ का मामला ले लीजिए, यहाँ पर सो कॉल्ड हिंदुत्व एलिमेंट्स गैर जिम्मेदाराना बयान बयाजी कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी के खिलाफ बड़े हल्के अंदाज में बात करने का काम कर रहे हैं। मंगलूर के अंदर हमारे एक नौजवान भाई का कत्ल होता है, ये सिर्फ उड़पी शिवमोगा मंगलूर गुलबर्गा ऐसा नहीं, हर ज़िले के अंदर ये सो कॉल्ड हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इस तरह से समाज के अंदर फूट डालने की, समाज के अंदर लड़ाई लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डाल के दूरियां बढ़ाने का काम प्लान चल रहा है। और ये तमाम इवेंट्स आगे आने वाले 2024 इलेक्शन की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर, बसवराज बोम्मई के नाम पर इलेक्शन हारने वाली है, इसका इल्म उन्हें हो चुका है, इसीलिए इस तरह के प्लानिंग कर रहे हैं। बेंगलुरु के एक रेलवे स्टेशन पर भी मस्जिद का बिल्कुल वो एक इंसिडेंट रिसेंटली आया है, उसको इस तरह से उसको कम्युनलाइज किया गया। ये मस्जिद बहुत सालों से बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन में मौजूद है जी, ना सिर्फ वहाँ पर मस्जिद बल्कि वहाँ पर मंदिर भी मौजूद है, वहाँ पर चर्च भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी होने के हैसियत से हमें बड़ा फ़ख्र है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर तमाम मज़हब के लोगों को अपने अपने मज़हब के साथ वर्शिप करने का राइट हमें दिया गया है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन एक आइडियल है, जहाँ पर हिंदुओं के लिए मंदिर है, मुसलमानों के लिए मस्जिद है, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए चर्च है। यह खूबसूरती होनी चाहिए। कोई एक हिंदू एक्टिविस्ट जो है जिस तरीके से माइक लेकर के मस्जिद के अंदर चप्पल में पहन करके जाके आता है ढोंगी जर्नलिस्ट बन करके, किसने उसको अधिकार दिया? कहां से आती है उसको ताकत? कहां से आती है उसको ये हिमाकत? ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस की, ये जो हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी है, बसवराज बोम्मई है, ये लोग वेल प्लान्ड तरीके से वो चाह रहे हैं कि हम लोग पोलराइज हों। इस तरह के इंसिडेंट्स ये इफ्तदा है, मैं साफ तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये इफ्तदा है। जब तक कि कर्नाटका के अंदर इलेक्शंस ना होए, जब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक इसी तरह के हरकत हर तालुके के अंदर भी हो सकते हैं, इसके लिए हमको होशियार रहना है, समझ के रहना है, हमको अपने मैच्योर तरीके से हमको काम करना है। ये खेल भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुत्व का, आरएसएस का ये जो खेल है, ये नौटंकी जो है, ये नाटक जो है समाज के अंदर बिगाड़ फैलाने का, बेंगलुरु और कर्नाटका ये उस सरजमीन नहीं है, ये सूफी संत की सरजमीन है, जहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह हम सदियों से रहे हैं। ताकयामत तक इंशाअल्लाह ताला हम हिंदू मुस्लिम तमाम दलित बैकवर्ड क्रिश्चियन तमाम मज़हब के लोग हम भाईचारे के साथ रहने वाले हैं और जनता दल सेकुलर उसी सेकुलरिज्म का, उसी भाईचारे का एक पॉलिटिकल आउटफिट है।